नमस्कार दोस्तों दोस्तों कल जब मुझे देवेंद्र जोशी सर ने कहा कि आपको इरफान खान पे चर्चा करनी है तो मुझे उतनी ही खुशी हुई जितनी तब हुई थी जब इवनिंग प्लस के एडिटर श्री कुलदीप शर्मा जी ने मुझे पिछले साल जनवरी में 7 जनवरी को उनकी बर्थडे पर मतलब इरफान खान साहब की बर्थडे पर उन पर एक आर्टिकल लिखने को कहा था। और खुशी हो भी क्यों ना, आखिर मेरे पसंदीदा फनकार जो हैं वो इरफान खान, और मेरे ही क्यों, आपके भी तो हैं, और क्यों ना हो। दोस्तों मैं जानती हूँ कि आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी सिनेमा की या वर्ल्ड सिनेमा की तो इरफान खान का जिक्र होना लाजमी हो जाता है, वरना उस जिक्र के बिना वो चर्चा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि उनका कैलिबर ही कुछ, उसकी हैसियत ही ऐसी कुछ थी। तो दोस्तों मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और आज की चर्चा की शुरुआत एक काव्यांजलि से मैं करूँगी जो पिछले साल उनकी डेथ पर यानी कि आज ही के दिन श्री कृष्ण गोप जी ने मुझे भेजी थी। अलविदा अनूठे अदाकार सिसका, हर कोई सिसका, वो उजास का भान, सिसका, हर कोई सिसका, वो उजास का भान, ढूंढ ढूंढ हारेंगे नयन अब, कहाँ गया इरफान, वो जिसमें हम सब देखे हैं हम जैसा इंसान, जात धर्म मजहब बेमन, मन जीते हैं मन को, आदमियत ही माने होती सच्चों की पहचान, नमन हमारे प्रिय अदाकार, ये भी सुखद है पहुंचे हुए गण भी कोमल मानवीय मूल्यों को देते दिखें सम्मान। दोस्तों गुलाबी नगर के जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, जहाँ के वो थे, हालांकि उनका जन्म टोंक में हुआ था लेकिन बाद में वो गुलाबी नगर के ही कहलाए जयपुर, पिंक सिटी, यहाँ के पुरसुकून आसमान से छिटक कर बॉलीवुड के चमचमाते फलक पर बहुत से सितारों ने रोशनी बखेरी है, मगर करीब 30 साल पहले इस ध्रुव सितारे ने भी उस फलक को अपने खिलाफ मामूल फन से रोशन करने का ख्वाब देखा। जयपुर में इन्होंने पढ़ाई की थी और जयपुर के बाशिंदों के साथ पतंगबाजी करते हुए ये पहुंचे NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ के जहीन काबिल और आला तरीन फैकल्टी की शागिर्दी में ये लिख रहे, फिर इन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ की और फिर ब्रिटिश मूवीज़ की, हॉलीवुड मूवीज़ की, और अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े। इरफान खान, इनको इंडस्ट्री में किस कदर पसंद किया जाता है ये अगर हम इनके डायरेक्टर्स, इनके साथ काम करने वाले सह कलाकारों के साक्षात्कार पढ़ें तो हमें उसका अंदाज़ा हो जाएगा, और साथ ही हमें अंदाज़ा होगा इस बात का कि वो किस तरह के अभिनेता थे, किस तरह के इंसान थे, और हमें ये भी पता चलेगा कि जहाँ वो एक संजीदा किस्म के व्यक्ति थे तो वहीं एक मजाहिया इंसान भी थे। इसकी एक वानगी देखिए कि इनका इनका जो लास्ट वीडियो था उसे अगर हम देखें तो उसमें इरफान ने कुछ कोट करते हुए लिखा है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू अ नींबू अ लेमन यू मेक लेमनेड, यानी अगर जिंदगी आपको नींबू देती है तो आप उसका शिकंजी बनाते हैं, लेकिन यदि सच में जिंदगी अगर आपको एक नींबू थमा दे तो उसकी शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह के वन लाइनर्स, छोटी छोटी चुटकियां ये किया करते थे। इसकी एक और बानगी, मेरे एक फ्रेंड हैं विपुल टाप, जिन्होंने इनके साथ इंग्लिश मीडियम फिल्म में काम किया, अंग्रेजी मीडियम में काम किया है, तो वो बता रहे थे कि जब इनका इंट्रोडक्शन करवाया गया
इरफान खान और रितुल डाक का, तो कहा गया कि ये जयपुर का है। तो इरफान खान बोले, हाँ जयपुर का है, कहाँ रहता है? तो इन्होंने अपना पता बताया, कहते हैं देख अच्छे से काम करियो, हाँ देख अच्छे से काम करियो, जयपुर की इज्जत का सवाल है। और इसी तरह विपुल बता रहे थे कि जब शूट पूरा हो चुका था अंग्रेजी फिल्म का, और विपुल की इच्छा थी कि एक तस्वीर जो है इरफान खान के साथ उनकी खींची जाए, तो वो अपने एजेंट से कह रहे थे कि मैं एक तस्वीर चाहता हूँ। एजेंट ने बोला, तुमने इतनी शूटिंग की है तो तस्वीर ले लो, क्या प्रॉब्लम है? तो विपुल ने कहा कि मुझे घबराहट हो रही है। तो होमी जो अंग्रेजी मीडियम के डायरेक्टर हैं, होमी अजैनिया, वो पीछे ही खड़े थे, उन्होंने सुन लिया। वो लेकर विपुल को इरफान खान के पास गए और इरफान से कहा कि ये आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। इरफान ने कहा क्यों नहीं, लेकिन चूंकि उस समय शूटिंग पूरी हो चुकी थी, सब लोग इधर उधर थे, तो वहाँ कोई था नहीं जो फोटो खींचे। तो होमी ने कहा लाओ मैं तुम्हारी फोटो खींच लेता हूँ। तो इरफान ने कहा कि देखा तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हारी जो फोटो है वो इतने बड़े डायरेक्टर खींच रहे हैं, और कह के सबको हंसा दिया। तो दोस्तों इस तरह के जो छोटे छोटे वाकयात हैं उससे हमें ये पता चलता है कि इरफान की क्या खसूसियत थी, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो इनके गुण हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते पढ़ते हुए लिस्ट करें, तो मैंने भी किया है ऐसा ही, तो वो जो सूची मैंने बनाई है उनमें बहुत सी चीज़ें मुझे पता लगी हैं इरफान के बारे में। उनमें से एक ये थी कि वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे, चाहे इन्होंने कहीं भी ट्रेवल किया, कितनी जगह वो घूमे हैं शूटिंग के चलते, और कितनी ही इन्होंने काम किए हैं, करीब 50 के करीब इन्होंने फिल्में बनाई थी, चाहे वो इंटरनेशनल फिल्में कर रहे हों या हिंदुस्तानी फिल्में कर रहे हों, चाहे वो कमर्शियल मेनस्ट्रीम कर रहे हों या फिर कोई इंडिपेंडेंट सिनेमा कर रहे हों, ही ऑलवेज आइडेंटिफाइड विद हिज रूट्स। और ये उनका एक बहुत ही एंडियरिंग ट्रेट था जो उनके साथ काम करने वालों में उनको लोकप्रिय बनाता। एक दूसरी बात है कि दोस्तों एक्टर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने डायरेक्टर्स पर ट्रस्ट करें, जैसे कि अमिताभ सर कहते हैं कि आई एम कम्प्लीटली अ डायरेक्टर्स मैन, जैसा वो कहते हैं मैं वही करता हूँ। इरफान के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन एक दूसरी चीज़ जो उन्हें बहुत ही ख़ास बनाती है वो थी उनकी ज्ञान पिपासा, अनक्वेंचिंग थर्स्ट फॉर नॉलेज, उनका क्वेश्चनिंग माइंड जो हमेशा अपना काम करता रहता है। शूटिंग शुरू होने से पहले दोस्तों स्क्रिप्ट जो होती है ना वो हमेशा लॉक कर दी जाती है, तो चाहे वो, लेकिन मतलब इनके डायरेक्टर्स मेघा जो है जिन्होंने तलवार बनाई थी वही कह रही थी कि चाहे वो डिस्कशन का टाइम हो या फिर शूट का टाइम हो, जिस तरह से वो अपने सवालों का जखीरा साथ में लिए चलते थे और कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली जो है सवाल वो पूछा करते थे, तो डायरेक्टर्स को वो कभी कभी ऑप्शंस दूसरे ढूंढ विकल्प तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। ऐसी तासीर थी इरफान खान में, ये एक बहुत अलग किस्म की बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उनका जो अभिनय था, उनकी जो एक्टिंग थी, वो इतनी नेचुरल थी कि उनका हंसना, उनका रोना, उनका गुस्सा हो जाना, छोटे छोटे जेस्टर्स उनके, कोई ट्विच हो या कोई वन लाइनर हो या कोई रिपर्टी हो, जैसे चातुर्यपूर्ण या हास्यास्पद कोई बात हो, ये भेद कर पाना बहुत कठिन था कि वो ये अभिनय कर रहे हैं या अपनी असली जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि इस अंग्रेजी मीडियम में ही आप देख लीजिए, उन्होंने एक सिंगल पेरेंट वो बने हैं, राधिका मदान जो है उसके पिता का रोल उन्होंने अदा किया है, जिनका एक सपना है। राधिका मदान हमारी बॉम्बे स्नैपर्स की ही बच्ची है, उसके पेरेंट्स हमारे 6th इंजीनियर रेजिमेंट के ही हैं। तो फिल्म में उनका सपना है कि वो बेटी की जो शिक्षा है अंग्रेजी मीडियम से करवाएं, उसकी उसका उनका एक ख्वाब है बहुत बड़ा।
लेकिन कभी कभी पी लेते हैं परेशान होकर। तो ऐसा होता है कि जब चोरी पकड़ी जाती है तो वो किस तरह से भूले बच्चे बन जाते हैं। राधिका मदान यानी कि उनकी जो बेटी है वो माँ बन जाती है और वो एक बच्चे की तरह उनका वो जो एक्सप्रेशन है वो देखने लायक है, भूल नहीं सकते दोस्तों। अगर आपने अंग्रेजी मीडियम नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। और एक और चीज थी उनके बारे में, अनअज्यूमिंग होना, मतलब आप तलवार फिल्म के बारे में बता रही थी कि इसमें उन्होंने एक सीबीआई इंस्पेक्टर का रोल किया है, तो बता रही थी कि उनके मन में बहुत कुछ करते समय, रोल करते समय चल रहा होता था, लेकिन जब वो आते थे एक्टिंग करने तो वो सब कुछ बहुत सिंपल हो जाता था, बहुत ही सहज तरीके से वो उसे परफॉर्म कर लिया करते थे। और वो उन्होंने एक तरह से अपना दुख भी प्रकट किया कि मेघना गुलजार ने, कि मैं अंत तक यह नहीं जान पाई कि तलवार, जो तलवार आप स्टोरी जानते ही हैं तलवार की, ये एक सच्चा केस था, तो इस केस के बारे में वो कहती है कि मैं अंत तक नहीं जान पाई कि इरफान खान का एक्चुअली इस केस के बारे में क्या स्टैंड था। क्यों? क्योंकि वो थे ही इतने अच्छे अदाकार कि उनके मन के अंदर जो चलता था वो सामने जाहिर नहीं हो पाता था, वो जो उन्हें एक्टिंग करना था स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वही वो किया करते थे। इससे उनका मेंटल कैलिबर हमें पता चलता है। ऐसी एक फिल्म थी लाइफ ऑफ पाई, अगर आपने देखी हो वो फिल्म, तो वो फिल्म एक तरह का फ्लैशबैक है जिसमें इरफान ने एक मतलब एडल्ट जो पाई पटेल जो है इसके मेन प्रोटैगनिस्ट, उन एडल्ट प्रोटैगनिस्ट का रोल किया है। और जो फ्लैशबैक में जो पूरी स्टोरी है वो 7 महीने की जो समुद्री यात्रा है, वो यात्रा जो है यंग पाई पटेल जो है सूरज शर्मा उसने अभिनीत किया था। तो इनका काम है एक नैरेटर के रूप में उस पूरी स्टोरी को अपनी सुनाना। तो जब ये स्टोरी सुना रहे थे नैरेटर इंटरव्यूअर को, तो इतने उसमें रच बस गए कि हमें ये बिल्कुल नहीं भान हुआ कि यंग पाई का रोल इन्होंने नहीं किया था, बल्कि ऐसे लगा कि वो सूरज शर्मा जो है वो बड़ा होकर इरफान खान बन गया। ये भी एक बहुत ही बड़ी काबिल-ए-तारीफ बात है एक अभिनेता के अंदर। और लेकिन मतलब ये सब चीजें जो हैं ऑफ द कफ नहीं आती, इन सब चीजों के पीछे था उनका हार्ड वर्क, उनका एक गहन शोध परक जो एटीट्यूड था, जो और अध्ययन जो था, चिंतन मनन और उसका मंथन, इतने सारे न्यूएंसेस थे, इतनी अंडर स्टडी थी। तो एक ये हार्ड वर्क जो इंसान करता है वही इस तरह की चीजें अपने एक्टिंग में ला सकता है। वो खुद कहते थे कि मैं किसी किरदार के लिए यानी कि किसी जो रोल में अदा कर रहा हूँ उसके लिए जजमेंटल नहीं हो सकता, मुझे उस किरदार के इमोशनल वर्ल्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसकी संवेदात्मक दुनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो हिटलर का ही रोल क्यों ना, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि हिटलर की अपनी दुनिया क्या थी, उसके पर्सनल जो उसके जो दुख थे, उसके दर्द, उसकी तकलीफें, उसके सवाल दुनिया के प्रति, आसपास के प्रति, क्योंकि हिटलर को हम बहुत बुरा मानते हैं लेकिन असलियत हम भी नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों बना था। जैसे कि हम औरंगजेब के बारे में भी बुरा हम कहते हैं लेकिन हमें उसकी असलियत नहीं पता है कि औरंगजेब जो है औरंगजेब क्यों बना था, क्यों वो म्यूजिक से इतनी नफरत करता था, या क्यों उसका ये एटीट्यूड था कि इंडियन आर्ट को, स्कल्पचर को, मूर्तियों को उसने तोड़ा वगैरह वगैरह। तो असलियत जो होती है ये जानना इरफान खान कहते थे कि ये बहुत जरूरी है। डेथ, इरफान खान का डेथ के बारे में क्या विचार, उनकी जो लास्ट मूवी थी अंग्रेजी मीडियम, उन्होंने करीब अपनी जिंदगी में 50-51 फिल्में की हैं, उनमें से वह बहुत चुनिंदा मूवीज की हैं उन्होंने, बहुत ही मतलब सब्सटेंशियल जिसे कहना चाहिए। लास्ट मूवी अंग्रेजी मीडियम जिसके डायरेक्टर थे होमी अजानिया,
डायरेक्टर हैं होमी अज्जानिया, बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। तो वो बताते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको मेरे संवाद जब खत्म होगा उससे पहले मैं इरफान खान का आपको लास्ट लेटर पढ़ के सुनाऊंगी, इससे कहीं जाइएगा मत आप। तो होमी बताते हैं कि जब शूट कंप्लीट हो चुका था तो इरफान ने उन्हें बताया कि वो एक इंसान के रूप में पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्होंने अपने हिस्से का दर्द पा लिया है और अब वो दर्द दर्द नहीं रहा, एक जहन में एक अलग किस्म की सेंसेशन बन चुकी है जिसे जिसे बयां करना कोई अच्छी कोई प्लेजेंट बात नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट किस्म की बात है। अब वो दर्द है ही नहीं। बता दें कि इरफान जो है अपनी जिंदगी को अपने अंतिम जो दिन, क्योंकि होमी जी की लास्ट मूवी थी और वही रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद ही जो है इरफान की डेथ हुई है, तो वो लास्ट में ही इनका काफ़ी आपस में एक दूसरे से रابطہ और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उन्होंने काफ़ी गहराई से इरफान को पहचाना था और इरफान ने अपने बारे में काफ़ी गहराई से जो है वो होमी को वो बताया करते थे। वो कहते हैं होमी कि हम साथ हंसते साथ रोते थे, हम साथ में खूब ठहाके लगाया करते थे और बहुत से हम डिस्कशंस किया करते थे जिसमें फिलोसफिकल डिस्कशंस भी शामिल हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था डिस्कशन डेथ के बारे में। तो वो कहते हैं कि इरफान डेथ को ऑब्जेक्टिवली देखने लगे थे। ऑब्जेक्टिवली देखना यानी कि आप दूर से अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप ना होकर कोई अन्य हो जो आपकी जिंदगी पढ़ रहा हो। और जब आप ऑब्जेक्टिवली अपनी जिंदगी देखने लग जाते हैं तो आप में दोस्तों वो ताकत आ जाती है कि आप डेथ को, मौत को, मृत्यु को आमने सामने बैठकर वन टू वन, वन ऑन वन डिस्कस कर सकते हैं। और ये मेरा अपना भी अनुभव है, मैं हाँ मंच पे नहीं बता सकती, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि जो इंसान अपनी जिंदगी को ऑब्जेक्टिवली देखता है वो डेथ के बारे में किस तरह से संवाद करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो किसी भी अन्य विषय पर चर्चा कर रहा हो। तो इरफान कहते थे कि अगर मुझे वक्त में पीछे लौटना पड़े तो मैं अपने जिंदगी में एक भी चीज नहीं बदलना चाहूंगा। इतनी मोहब्बत थी उन्हें अपनी जिंदगी से। और वो जो उनके फैंस ने उनको लेबल्स दिए ना, उस पर वो हंसा करते थे। इरफान खान दी सुपरस्टार, इरफान खान दी क्रॉसओवर सक्सेस, इरफान खान दी इंफान, इरफान खान, उन्हें इन सब चीज़ों पे वो हंसा करते थे क्योंकि जिंदगी को उन्होंने बहुत गहराई से समझ लिया था। और इस रियलाइजेशन के बारे में उनका ये कहना था कि अगर ये दर्द मुझे नहीं मिला होता तो मैं 100-100 जन्म भी लेता तो जिंदगी को नहीं समझ पाता। कहते हैं आपने कोई कहानी सुनाई और वो 5 साल बाद भी, ये मैं अखबार से पढ़ रही हूँ, आपने कोई कहानी सुनाई और वो 5 साल बाद भी किसी के जहन में रह गई और वो आज भी उसको सोच रहा है तो उसका क्या अर्थ निकल पाता है ये मुझे नहीं पता। आप कोई कहानी सुनाई वो 5 साल बाद भी आप किसी के जहन में रह जाता है और वो आज भी उसे सोचता है तो इसका क्या अर्थ निकल पाता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके दिल में वो आज भी जिंदा है और उससे आप जिंदा हो। आप यानी कि इरफान खान अपने लिए कह रहे हैं और ये सच है दोस्तों, ये हम इरफान खान को कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों
इरफान खान का जो आखिरी खत है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ये लेटर इन्होंने तब लिखा था, लास्ट ईयर, आज के दिन, आज उनकी पुण्यतिथि है इसीलिए हमने आज एक कार्यक्रम भी रखा है। उनकी जब डेथ हुई तो उससे करीब 4 महीने पहले उनकी माता जी की डेथ हो गई थी, और उसका जिक्र इन्होंने किस तरह से इस लेटर में किया है ये मैं आपको, ये लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, आप जरूर सुनिए। इरफान कहते हैं, अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे, अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे ये नया सा शब्द हाई ग्रेड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर, अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे ये नया सा शब्द हाई ग्रेड इंडोक्राइन न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर, मेरे लिए एकदम नया नाम। डॉक्टर प्रयोग करते रहे, इलाज करते रहे, लंदन, अमेरिका, मुंबई, मैं इस नई बीमारी के प्रयोग का हिस्सा बन गया था। डॉक्टर ने तो सांत्वना भी दी थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं वापस लौट भी आया था। मैं तो एक तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन पे सवार था जहां मेरे सपने थे, प्लान्स थे, महत्वाकांक्षाएं थी, उद्देश्य था, मैं पूरी तरह से व्यस्त था। तभी अचानक किसी ने मेरा कंधा थपथपाया ने मुड़कर देखा तो वो उस ट्रेन का टीसी था। उसने कहा, आपकी मंजिल आ गई है, उतर जाइए। मैं अक्का बक्का सा जैसे झटका लगा हूं, सोचने लगा है, मेरी मंजिल आ भी गई? नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आ सकती। अभी 53 साल 3 महीने और 22 दिन तो हुए हैं, और अभी तो अम्मी उतरी थी पिछले स्टेशन। अभी 35 साल 3 महीने और 22 दिन ही तो हुए हैं, और अभी अम्मी उतरी थी पिछले स्टेशन पे, और मेरा स्टेशन इतनी जल्दी भी, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसने, यानी कि टीसी ने कहा, नहीं, यही है आपकी मंजिल, आपको यही उतरना है, आपका सफर यही था। हैरतों के सिलसिले सोजे निहां तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गई। जिंदगी ऐसी ही होती है, आप सोचते कुछ और हैं और जिंदगी में होता कुछ और है। मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं, है ना दोस्तों, सही है ना, मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं, जैसे हम आज कोरोना पीरियड में देख रहे हैं। मैंने तो एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, इरफान कह रहे हैं आगे कि मैंने तो एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, इसमें बॉलीवुड था, इसमें हॉलीवुड था, इसमें फ्रेंच सिनेमा था, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर, जुरैसिक वर्ल्ड, नेमसेक, अभी हाल ही में तो एवेंजर का स्टार रुफेलो, यानी कि मार्क रुफेलो, आया था एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। बॉलीवुड में अंग्रेजी मीडियम अभी हाल ही में तो रिलीज हुई, लॉकडाउन के चलते हॉटस्टार पे भी रिलीज हो गई, लेकिन सब रह गए। कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले तो लगा कहीं कोरोना तो नहीं है, कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो लगा कहीं कोरोना तो नहीं है
पर तेज दर्द से पिछले 2 सालों से मैं वाकिफ था, अब तक मैं दर्द को जान गया था। पर तेज दर्द से पिछले 2 सालों से मैं वाकिफ था और अब तक दर्द को जान गया था। और अब मुझे इसकी असली फितरत यानी कि दर्द की फितरत और तीव्रता का पता रहता है। दर्द में वैसे भी दिमाग कम काम करता है, न कोई हौसला अफजाई, न कोई प्रेरणा, पूरी कायनात आपको उस वक्त एक सी नजर आती है। और ये सही है दोस्तों, दर्द में वैसे भी दिमाग कम काम करता है, न कोई हौसला अफजाई, न कोई प्रेरणा, और पूरी कायनात आपको एक सी नजर आती है। सिर्फ दर्द और दर्द का एहसास, सिर्फ दर्द और दर्द का एहसास जो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था। मैं धीरे धीरे खत्म हो रहा था, कमजोर हो रहा था, उदासीन हो चुका था। मुझे किसी चीज का एहसास नहीं था, लेकिन मन नहीं मानता। दर्द के बीच में भी उम्मीद की लौ जलती है। लगता है कि बस चंद पल बाद लौटना है, जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक सड़क होती है। अस्पताल की निराशा के उलट सड़क पार जिंदगी मुस्कुराती दिखती है। नतीजे का दावा कौन कर सकता है? इस दुनिया में है ना, केवल हॉस्पिटल में निश्चिंतता कहां होती है? केवल एक ही चीज निश्चित है और वो है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता था कि अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ूं। मैं लड़ा भी, लेकिन मौत यूं थोबी पछाड़ मारेगी ये पता नहीं था। सफर खत्म होते होते अलविदा कहने के वक्त कैफी साहब की नजमें अपने पर कुछ यूं याद आई। कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे मैं गया ऐसे भी जाता नहीं तो आपका एहसान। दोस्तों, इरफान के इस लेटर के साथ मैं आप सभी को विदा कर रही हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।